हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रहलाद का जन्म जिसे मैंने असंभव बना दिया था, उसे तुमने संभव बना दिया। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहिए। यदि ऐसा अनर्थ हो जाएगा तो असुरेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। होश में आओ आल्हाद, होश में आओ आल्हाद। देख लिया महारानी, मेरी अवज्ञा करने का परिणाम, देवताओं ने रानी कयाधु का हरण करके उसे मधुचंदा ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया है, जहां कोई असुर नहीं पहुंच सकता। अब क्या होगा गुरुदेव? अब तो केवल अनर्थ होगा महारानी, केवल अनर्थ। प्रहलाद का जन्म जिसे मैंने असंभव बना दिया था, उसे तुमने संभव बना दिया। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहिए। यदि ऐसा अनर्थ हो जाएगा तो असुरेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये तो तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था महारानी, जब रानी कयाधु का गर्भ नष्ट करते समय तुमने दया से काम लिया था। उस समय तो रानी कयाधु के प्रति तुम्हारे दिल में बड़ा प्यार उमड़ा था ना? ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है महारानी, मैं तुम्हारी अंतरात्मा तक में झांक सकता हूँ। यदि उस समय तुमने रानी कयाधु का गर्भ नष्ट कर दिया होता तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे भूल हो गई है। आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए। ना, परंतु होने वाले इस अनर्थ से असुर कुल को बचा लीजिए गुरुदेव। अब गुरुदेव केवल आप ही असुर लोक को इस संकट से निकाल सकते हैं। आप स्वाधिष्ठान यज्ञ फिर से कीजिए और उससे प्राप्त अपोबल से आप देवताओं के षड्यंत्र को नष्ट कर दीजिए। नहीं महारानी नहीं, अब ये असंभव है, असंभव, क्योंकि ऐसा यज्ञ अनुष्ठान बार बार नहीं किया जाता, बल्कि एक युग में केवल एक बार किया जाता है। इसी का लाभ उठाकर देवेंद्र ने मेरा यज्ञ भंग कर दिया। तो फिर आप देवताओं की इस चाल का उत्तर कैसे देंगे आप? महारानी सुमुखी, एक यज्ञ के नष्ट होने से शुक्राचार्य का तपोबल शून्य नहीं हो गया है। मेरे पास अब भी शक्तियों का वो भंडार है जिसका उत्तर देवताओं के पास छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरी शक्तियों से भयभीत होकर ही उन्होंने रानी कयाधु का हरण किया। मेरे प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने मधुचंदा ऋषि का सहारा लिया, परंतु मैं शुक्राचार्य उनके इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं भी तो देखूं कि मधुचंदा ऋषि वस्तु क्या है। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, स्वामी, मैंने आज तक आप ही को अपना परमेश्वर माना है, परंतु प्रहलाद के साथ घटी घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर और उनके बारे में सोचकर भगवान की अपार शक्ति के सामने अपने आप सिर झुक जाता है। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रहलाद पर दया कीजिए, उसे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने दीजिए, मानने दीजिए उसे अपने भगवान को। आप इसे और दंड मत दीजिए, आखिर ये आपका पुत्र है, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं ताकि ये उस पाखंडी विष्णु को असुर लोक का स्वामी बना दे, सारी असुर जाति को देवताओं और उनके भगवानों के सामने घुटने टेकना सिखा दे। मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरे बल द्वारा प्राप्त मेरी सब लोकों पर विजय को व्यर्थ कर दे। मेरा अर्जित यश, मेरा अर्जित नाम सब गंवा दे। जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास है, मैं उस परम शत्रु विष्णु के श्वास निश्वास को साधारणतया नहीं चलने दूंगा।
इस प्रहलाद को अपना अंश बोलता है ना वो। तुम देखना, तुम सब अपनी आंखों से देखना, उसके इस अंश के साथ साथ मैं उस विष्णु को भी कैसे समाप्त करता हूं। विष्णु, ये त्रिलोक विजेता हिरण्यकश्यप तुझे चेतावनी दे रहा है, बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को।